हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो ये आपका पेज नंबर 129 है और इसमें एक छोटा सा ट्राई दीजिए, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, पहले आपको ये सब बता दूं, एक होता है एसआई, एक होता है सीआई। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ओके, सिंपल इंटरेस्ट। और CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यह होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। वो आपका क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, बट इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता है। बट सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो बेस अमाउंट है या जो मेन अमाउंट है, जो मूलधन है, उसके ऊपर सालाना एक इंटरेस्ट लगता है और एक फिक्स्ड रेट से लगता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, सिर्फ उसके मूलधन या प्रिंसिपल पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सीआई। सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ऑन ए सम ऑफ 8,000 फॉर 2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसी हिसाब से आपको इसको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? सो फाइनल अमाउंट विल बी कितना होगा? अमाउंट इज इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल 1 प्लस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आपका 100 और जो यहां पे पावर होगा वो एन यानी कि नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, तो यहां पे हम जैसे ही पुट करेंगे हमको फाइनल अमाउंट फाइंड द सीआई, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम यानी कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो जब सीआई फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? तो आपका अमाउंट जो होगा माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम डालते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? आपका 8,000 है। ठीक है, तो ये 8,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अभी आपको 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना होगा? 8,000 और इस पे कितना होगा? 105, ओके, तो इसको 105 बाय 100 टू द पावर 2, ओके, तो यहां पे हम इसको और काट के सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना होगा? ये 21 और नीचे 20। ठीक है, 21 और 20। तो अभी हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे 8,000 और मल्टीप्लाइड बाय 21 बाय 20 और अगेन 21 बाय 20। ठीक है, यानी कि स्क्वायर का मतलब एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो 21 बाय 20 बचा, तो उसको दो बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर आपका हट गया। तो अभी 20 को अगर 20 और 20 कितना होता है? आपका 400 होता है। ठीक है, पहले हम एक 0 0 काट लेते हैं इसके साथ, 2 0 है इधर है, 2 0 काट लिए। अब 4 के साथ 80 को काटेंगे तो कितना हुआ? 20। तो फाइनली अमाउंट बना आपका 8,820 रुपीज, ओके। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है? सीआई फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सीआई फाइंड आउट करना है, जो मेन अमाउंट से माइनस कर देंगे तो सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला ये आपको पता चल जाएगा। तो सीआई का फॉर्मूला सीआई इज इक्वल टू अमाउंट टोटल कितना है? 8,820 माइनस 8,000 जो प्रिंसिपल है, तो फाइनली जो बना वो है 820 आपका सीआई है, जो आपका फाइनली 2 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय, और इस चैनल इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।